तो क्या बोल रही है मेरी वनटाई की पब्लिक। जैसे ही आप सब देख सकते हैं, मैंने वापस ईएस ज्वाइन कर लिया है और मैंने ईएस टैग अपने नाम पे लगा लिया है। तो ये एक गेम प्ले वीडियो है जिसमें एनब्रू और मैं डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलेंगे, क्योंकि रात को तो कोई ऑनलाइन था नहीं हमारी क्लैन में से। तो एनब्रू और मैं बैठे हुए बोर हो रहे थे, तो एनब्रू और मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ा डुओ वर्सेस स्क्वाड ही खेला जाए। तो यहाँ पे हम डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे और लॉबी अच्छी खासी थी, ओकेश थी, मज़ा आया, बहुत पेला। क्या हुआ, मैं शायद से मर ही गया, क्या पता, वीडियो देखो पता चलेगा, हमेशा पहले राज नहीं खोलूंगा मैं। तो इसी के साथ ही, जैसे कि आप देख सकते हैं, किंग एंड्रू का प्लेन है यहाँ पे, बहुत अमीर आदमी है, बहुत खर्चा करते हैं गेम पे। असली में तो ये खर्चा नहीं करते, गेम पे ही खर्चा करते रहते हैं, वो भी खाली आरपी पे। पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है जब इनका नाम ऊपर आ जाता है सबसे। और रही दूसरी बात, तो जब एनब्रो के ऊपर किसी का नाम आता है तो एनब्रो बहुत गुस्से में हो जाते हैं, अंदर की बात खाली मेरे को पता है गाइस। तो हमने डिसाइड किया कि हम हॉट ड्रॉप करते हैं, क्योंकि इससे पहले 3-4 गेम में और एनब्रो बहुत गंदी गंदी स्कैम हुए, हम लोग बहुत गलत गलत मरे। तो हमने बोला छोड़ो यार, ये गेम हॉट ड्रॉप ही कर लेते सीधा, और हॉट ड्रॉप किया हमने नोमो में। यहाँ मैं अपनी सेटिंग कर रहा था, मैंने सोचा था आईपैड पे गायरो खेलूँ, पर मैंने गायरो बंद कर दिया, बोला छोड़ो आईपैड पे जो पहले खेलते थे वही करते हैं, गायरो भी बंद कर देते हैं आईपैड पे, क्योंकि कॉड भी आ रही है गाइस बाय द वे 1 अक्टूबर को, एक्साइटेड हो तो कमेंट्स में बोलना। यहाँ मैं गिरा और मेरे को गन मिल गई, और ये बेचारे को मैंने नॉक फिनिश कर दिया, बेचारे ऊपर गन ही ढूंढने आया था, जस्ट अभी गिरा था और इसको मैंने लॉबी पहुंचा दिया। तो ये अपने टीममेट्स को तो बहुत गालियाँ दे रहा होगा, तो जैसे ये निहत्ता था, मेरे को लगा बाकी भी निहत्ते होंगे, तो मैं सीधा फुटस्टेप लेके पुश करता हूँ। ये बंदा निहत्ता बेचारा, और ये S12 के मार रहा था पीछे से, पर इसको भी शिट ऑन पड़ गया। तो इन दो को तो मैं डायरेक्ट फिनिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो मेरा स्लोगन पड़ा ही है, केड़ी बड़ानी तो है शारिक भाई को। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने इन दोनों को फिनिश कर दिया गाइस, और उसके बाद मैं इसके S12 के लिए तो रीलोड करता हूँ। मेरे को और एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे कि वो मेरे आगे वाले कंटेनर पे था, तो मैं फटफट आगे जाके TPP लेने लग जाता हूँ। मेरे को पता है कि वो आए, मेरे को फुटस्टेप आ गए हैं उसके, पर इतने में मैं बोलता हूँ चलो वो तो TPP लेता रहेगा, तो मैं फटफट लूट लेता हूँ 6x अपना फर्स्ट एड एड्रेनलिन सब उठा उठा लेता हूँ। तो मैं वहाँ पर TPP लेने जाता हूँ, इतने में मेरे को पीछे बॉट की आवाज़ आ जाती है, और ये बॉट, और ये देखो ये तो बॉट है, मैं इससे बड़ा बॉट, मैं पता नहीं क्या कर रहा था, क्या मूवमेंट दिखा रहा था मैं उसकी, पर मेरे को लगा दूसरा बंदा किल ले लेगा, तो मैं फटफट बॉट को मारने गया। तो मैं बॉट को नॉक करता हूँ, तो वो मेरी किल चोरी करने ओपन में आ रहा था बंदा, तो मैं उसको स्कारल मार देता हूँ। हालांकि उसने मेरे को 1 HP कर दिया था, वो बॉट पे एक्चुअली एम ही नहीं कर रहा था, उसने मेरे पे हार्ट पीक लेके रखा था, पर तब भी बेचारा उसकी तो मृत्यु हो गई मेरे हाथ से। तो मैं फटफट जाता हूँ, और तो मैं एनब्रू को बोलता हूँ भाई एमो दे दे ब्रो 7 की थोड़ी। तो एनब्रू तो भाई है ही, वो क्या है, वो क्या बोलते हैं उसे गाइस, मैं भूल गया, कंजूस, हाँ कंजूस साले ने, एनब्रू ने एमो ही नहीं दी मेरे को। तो मैं बोला ठीक है यार चलो फिर एनब्रू तुम लड़ो आगे वाली स्कॉट से, मैं आराम से लूटूंगा, क्रेट व्रेट बनेगी तुम्हारी, तो मुझे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं तो आराम से यहाँ बैठ के सीरीज वीरिंज हील वील करके बैठा था। इतने में तो मैं AKM ढूंढने चला गया, AKM ढूंढ रहा हूँ मैं आराम से, एमओ एमओ मिल रही है, यहाँ लैपटॉप मिल गया, मैं मेडकिट को लैपटॉप बोलता हूँ गाइस, तो नेक्स्ट टाइम से मैं लैपटॉप बोलूँगा ना, तो समझ जाना मैं लैपटॉप से क्या, लाइक लैपटॉप से मेरा क्या मतलब था गाइस। तो फटफट फिर लैपटॉप वैपटॉप ढूंढता हूँ, तो मेरे को एमओ मिल जाती थोड़ी, और ये बंदे की तो क्रिएटिव बन जाती है सीधा, ये बंदा नहीं था एक्चुअली, बॉट था, हाँ ये बॉट था। तो मेरे को ना ये AKM स्किन से मारने में मज़ा आती है, क्योंकि बंदों की एक तो वो जब आग निकलती है और किल फीड में भाई का नाम आता है एकदम हट के, जैसे कि अभी आया। तो मैं फटफट इसको लूटता हूँ और आराम से, और तुम्हें पता ही है बॉट तो केडी बनाने का तोहफा है, और पबजी वाले तो मेरे को बॉट देते, तो इसी के साथ इन्होंने मेरे को और एक बॉट भी दे दिया। तो इसी के साथ ही मैंने इसको मारा, उतने में एनब्रू बेचारे ने एक पूरी स्क्वाड वहाँ अकेले ही मार दी। तो इसी के साथ ही 2 स्क्वाड जो नोवो गिरी थी हम दोनों ने क्लियर कर दिए, एनब्रू के 6 किल थे नोवो से निकलते हुए और मेरे 7 किल थे, तो 1 ही किल का डिफरेंस था। एनब्रू ने वहाँ 4 स्क्वाड मारी और 2 बॉट, मैंने भी यहाँ पे स्क्वाड मारी एक, और कितने बॉट मारे क्या ही पता, बॉट ही तो थे वो भी, छोड़ो। तो उसके बाद सीधा हम ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे स्मोक हुआ पड़ता है, तो हम सीधा यहाँ पे घुस जाते हैं अपार्टमेंट में, और मैं एनब्रो को बोलता हूँ एनब्रो इस बिल्डिंग में भी बंदा है, मेरे को दिख गया वो। तो हम फटफट जाते हैं, और अंदर जो हुआ मैं क्या बताऊँ तुम्हें, अंदर एनब्रो को देखो खाली, ये क्या कर रहा था अंदर जाके, ये अंदर घुसा और ये लड़ रहे बंदे से, और वो देखो लेट गया, वो दीवार पे गोली मारने लग गया। तो मेरे को तो इतनी हंसी आई, तो मैं हंस रहा था वहाँ पर, मैंने बंदे को नॉक किया, उसका टीममेट भी जल्लाद जैसा, लाइक बिना कुछ सोचे समझे कॉल आउट सुने, पागल जैसा आ गया और एनब्रो को मारने लग गया। तो एनब्रो की वजह से यहाँ पे मैं फ्री में आके पीछे से 2 किल ले गया। तो हमें फुटस्टेप आ रहे थे कि आगे और एक स्क्वाड है, लाइक 2 बंदों के फुटस्टेप आ रहे थे मेरे को, तो मेरे को लगा 2 ही हैं और 2 ही थे, क्या पता 4 भी हो सकते हैं। तो मैं फटफट ऊपर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ एनब्रो रुक, मैं इसको नेड करके देखता हूँ, मैं नेड करने ही जाता हूँ, पर ये मेरे को बंदा भागते हुए दिख जाता है। तो मैं फटफट इस पर एक ग्रोथा का स्प्रे मारता हूँ, फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, पर बेचारा बच जाता है, पर तुम्हें तो पता ही है भाई केड़ी बढ़ानी है मेरे को। तो उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ इसको नेट से फिनिश करूँ, तो एकदम मैं कुक नेट फेंकता हूँ दरवाजे के पीछे, पर सैडली ये भी लगता नहीं है। और फिर मेरे को गुस्सा आया, मेरे को लगा ये रिवाइव हो जाएगा तो एनब्रू किल ले लेगा, तो मैंने बोला एनब्रू फट 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 चल घुसते हैं भाई इस पर। तो मैं फटफट ग्रोजा निकाली अपनी, और ग्रोजा तो है ही बीस्ट क्लोज रेंज में,
तो मैं ग्रोजा निकाली और मैं सीधा ऊपर की तरफ भागने लग गया। और ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, नेट कर रहा था और वो बंदा हील कर रहा था, मेरे को फुटस्टेप आ गए उसके। तो ये तो नॉक हो गए। तो और एक था, और एनब्रू बोलते हैं कि वो नीचे है तू देख। तो मैं नीचे भी टीपी भी लेने लग गया, पर वो बंदा ऊपर वाले कमरे से निकल गया। वो ऑलमोस्ट एनब्रू को मार ही गया था और मेरे को भी ले ही जाता वो शायद से एक ही स्प्रे में, पर ग्रोजा ने अपना काम कर दिखाया वहाँ पर। तो ये भी हो गए ऑल डेड। उसके बाद हम बंदे ढूंढते ढूंढते आगे जा रहे थे, तो यहाँ देखो गाइस, यहाँ पे बंदा जा रहा था बाइक पे, मैंने तो शॉट मिस कर दिया। मैंने अभी अभी वापस आई पड़ गया ना गाइस, तो मेरे ना स्नाइपिंग बराबर है ही नहीं, लाइक मेरे स्नाइपिंग नहीं, मेरे को कंट्रोल वंट्रोल सेट करना है। तो यहाँ पे तो मेरे को समझ नहीं है इसको कैसे नहीं लगी गोली, पर वो पहले वाले को भी एनब्रू नॉक कर देता है और दूसरे वाले को भी एनब्रू नॉक कर देता है। लाइक खैर छोड़ो, सही गया उसने, मैंने ही नूब जैसे अपने शॉट मिस कर दिया। तो ये तीसरा बंदा तो देखो गाइस, ये तो बाइक पे ही घूम रहा है और मैं इसको ट्राई करता हूँ कि बाइक से उतार दूँ। और ये देखो, मैंने इसको हेडशॉट दे दिया बाइक पे और ये मर गया। मतलब एनब्रू भी मेरे को बोल रहा है तू खड़े हुए बंदों को नहीं मार पाया और तूने बाइक से गिरा दिया बंदे को, वाह। और मैं खुद वहाँ कन्फ्यूज़ हो गया कि मैंने क्या किया, मेरे से नॉर्मल शॉट तो लग नहीं रहते और मैंने बाइक वाले को गिरा दिया। लाइक वाओ गाइज वाओ, तो टैलेंट देख रहे हो मेरे में, मैं ऐसे नूब्स को मारता ही नहीं हूँ, मैं सीधा हार्ड हार्ड शॉट्स मारता हूँ, इफ़ यू नो वट आई मीन। मैं कवर अप कर रहा हूँ गाइज, आई एम सॉरी। तो मैं आईपैड पे बाई तो इसलिए स्विच हुआ कि मैंने कॉम्पिटिटिव छोड़ दिया गाइज, अभी मैं यूट्यूब पे और ES पे फोकस करूंगा थोड़ा। यहाँ पे मेरे को एनब्रू कॉल आउट देता है कि पानी में बंदा है बोट के पीछे, बोट अभी अभी आई है। तो मैं बोट पे नेट फेंकता हूँ और ये बोट कहाँ चली जाती है, अरे बाबा बा, ये देखो भाई, अरे भाई 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 भाई, कहाँ चली गई ये बोट। तो उतने मेरे को बंदा वहाँ तैरते हुए दिख जाता है, तो मैं फटफट इसको नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। तो इतने में ना हमें M4 के और शॉट्स आ रहे थे, तो मैं बोला एनब्रू शायद से वो कंपाउंड में बंदे, लाइक मेरे को M4 का एक शॉट आया था, लाइक वहाँ पे एक स्क्वाड लड़ रही थी, कोई बंदे ने किसी को तो मारा था, तो मेरे को वहाँ से शॉट आया था। तो मैं एनब्रू को बोलता हूँ कि एनब्रू वहीं चलते कि वहाँ पे बंदे हैं, क्योंकि मेरे को शॉट आए थे। तो मैं एनिमी राइड करता हूँ और फटफट हम लोग गाड़ी में बैठते हैं बंदे की खोज में। तो गाइस जब तक हम बंदों की खोज कर रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ, कॉड आ रही है 1 अक्टूबर को, चाहते हो क्या शारिक और एनब्रू कॉड खेले साथ में और वहाँ भी डोमिनेशन मचाए। और गाइस रही बात मेरे फ़ोन की, तो गाइस मैंने मेरे फ़ोन की स्क्रीन तोड़ दी, जैसे कि आप लोग सबको नहीं पता होगा, पर इंस्टाग्राम देखते होगे मेरा तो पता चल जाएगा कि मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन तोड़ दी पूरी। तो इतने में हम वहाँ चेक करते तो वहाँ बंदे होते नहीं हैं, तो एनब्रू एनिमीज हेड करते हैं पीछे, पर एक्चुअली वो मैं आगे कर रहा था, उसका माइक ऑफ था एनब्रू का, अभी पता नहीं क्यों ऑफ था, शायद से हाँ वो मैक्सन की गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था फ़ोन पे। नहीं नहीं गाइस ऐसा मत बोलो, पर यही सच्चाई है, वो मैक्सन की गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था फ़ोन पे, या तो वो अपने लिए गुटखा मंगा रहा था। तो इतने में मैं ADS वीडियस करके देखता हूँ, मेरे को लगा यहाँ बंदे होंगे पर यहाँ थे नहीं, तो यहाँ मैं पता नहीं अपने कंट्रोल से देख रहा था। तो उतने में मैं बाहर जाता हूँ और मेरे को बाहर एक ओपन में बंदा दिख जाता है और ये पता नहीं क्या लूट रहा होता है और लूटते ही रहता है। तो मैं इसको फट से हेडशॉट दे के, फट से बोल रहा हूँ फट से दे के नॉक कर देता हूँ और फिर फिनिश करने की ट्राई कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ फिनिश करता हूँ, फिर मैं नीचे कूद जाता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो पुश ही कर देते हैं, एक तो नॉक फिनिश है तो सीधा घुस ही जाते हैं। तो एनब्रू इतने में ऊपर से किसी को मारने लगे, तो मैं फटफट ऊपर चले गया और मैं उसको बोलता हूँ एनिमी हेड कर भाई, कहाँ मार रहा है। तो एनब्रू मेरे को दिखाता है वहाँ पे, तो मैं इसको देखो परफेक्ट हेडशॉट था, लेकिन गाइज वो रिज ग्लिच थी, लाइक वो रिज के थ्रू पीछे था तो गोलियाँ लग नहीं रही थी, इसलिए तो मैंने एनब्रू को बोला भाई ये तो रिज ग्लिच के पीछे, फ़ायदा है नहीं यहाँ से मार के। तो हम लोग फटफट गाड़ी लेते और बंटा चढ़ जाते उस पर। इतने में वो बंदे ने क्या ही M249 ने क्या ही मार रहा था, वो क्या ही गिर दिया, मेरे को तो लगा हैकर है। मैं तो एनब्रू को बोल दिया भाई हैकर है हैकर है, लाइक उसने क्या स्प्रे मारा भाई, मेरी तो पूरी HP निकाल दी और गाड़ी वाड़ी को इतनी दूर से मारा उसने, मेरे को तो कन्फ्यूज़ हो गया भाई, मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हो गया यहाँ पे, मेरे को लगा हैकर है। पर उतने में एनब्रू नॉक कर देता है एक को, तो बोला चलो नहीं 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 हैकर नहीं, नॉर्मल प्लेयर थे, अच्छा स्प्रे मारा उसने। तो ये पेड़ वाले ये पत्थर वाले को तो मैं फट से नॉक करके प्रोन कर लेता हूँ। फिर और एक दिखता है तो मैं उसको यहाँ बॉडी मार देता हूँ, और वो बंदा इतना डीड वो तब भी गोली चलाई जा रहा है, लाइक वो तब भी गोली चलाई जा रहा है, तो दूसरे बॉडी में ख़त्म। फिर हम आगे आगे जाते हैं, तो ये कंपाउंड में अभी अभी गाड़ी ठुकती है दो बंदों की, मेरे को पता नहीं था दो बंदे, मेरे को लगा एक गाड़ी वहाँ ठुके, तो मेरे को लगा एक ही बंदा है, ठीक है। तो मैं आगे आगे बढ़ता हूँ, AWM से पुश करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है Level 3 रहा कुछ भी रहा सर पे पड़ेगी तो नॉक है। तो मैं एनब्रू को बोल देता हूँ कि वो कोने में ब्रो मैं पुश कर रहा हूँ, कवर दे देना अगर हो सके। तो बंदा जैसे ही पीक करता है यहाँ पे, तो मैं उसको पट से दे देता हूँ वापस। तो मेरे को लगा एक ही बंदा है, तो मैं आराम से पागल जैसा घुसता हूँ, ईजी पीजी समझ के घुस रहा हूँ गाइस मैं अंदर। और देखो मेरे साथ क्या स्कैम हो गया, ये बंदा लेटा हुआ है यहाँ पे, वाह मेरे को समझ नहीं है क्या हुआ, इसने मेरी लिटरली 1 HP कर दी थी। अगर मेरे पास गाइस यहाँ Level 3 गेयर नहीं होता ना, मैं कसम से नोकता हूँ अगर Level 3 गेयर नहीं होता। तो फिर एंड के 4 ही बंदे बचते हैं और वो यहाँ होते हैं, और मैं उनको गोली मारने की ट्राई करता हूँ, फिर मेरी फट जाती है। मैं एनब्रू को बोलता हूँ भाई भाई प्लीज़ भगा, मेरा कंटेंट है भगा भगा भगा। तो एनब्रू मेरे को फटफट भगाता है यहाँ पे। तो फिर मैं आगे जाता हूँ पेड़ पे TPP लेने, उतने में एनब्रू भाई किसी को नॉक कर देते फट्टे दूर, लाइक फट्टे दूर नॉक कर देते वो। तो मेरे को वो दिख जाते, तो मैं AWM निकाल लेता हूँ।
तो मैं उसको फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, शॉट तो पड़ जाता है तो वो फिनिश हो जाएगा। इतना आगे पुश करता हूँ ये बंदा पत्थर से निकल जाता है, तो मैं एनब्रू की यहाँ जान बचा लेता हूँ और उसको नॉक कर देता हूँ, हालांकि उसने एनब्रू को डैमेज नहीं दिया। ये और एक बंदा पीक करता है पट से, इसको भी देता हूँ, ये भी नॉक हो जाता है। अब बचा रहा तो इनका लास्ट बंदा बचा रहा, वो भी ओपन में पता नहीं क्या स्मोक करके क्या करना चाहता था, तो यहाँ वो मेरे से स्नाइपिंग बैटल करना चाहता था, तो मैं फटफट उसको एक बॉडी शॉट दिया और लेट गया और वो बंदा पत्थर के पीछे चला गया। और मैंने बोला एनब्रू तू पुश कर, मैं यहाँ से कवर देता हूँ, अगर वो पीक करेगा तो वो नॉक था। पर वो बंदे को मैंने ऐसा शॉट मारा स्नाइपिंग बैटल में, वो इतनी फटी उसकी, उसने पीक ही नहीं किया, वो वहीं बैठे रहा अभी तक। देखो गाइस मैं ओपन में लेटा हुआ हूँ, कितना इजी खेलना है यार, प्लीज़ पीक कर लो मेरे को। पर ये बंदे को कोई समझाओ यार, ओपन में कोई लेटा है पीक करके मार, ये पीक ही नहीं करना मेरे को। यहाँ वहाँ कोने में बैठ गया पत्थर के पीछे और यहाँ एनब्रू और ये लड़ने जा रहे और मैं खाली शो देख रहा हूँ यहाँ से, लाइक वो एनब्रू को मार रहा है, एनब्रू उसको मार रहा है डैमेज। तो मैंने बोला यार नहीं यार, एनब्रू किल लेगा, भागो भागो भागो। तो फुल स्पीड में तुम्हारा भाई आगे भागता है और यहाँ भी मैं ओम लेके ही भाग रहा हूँ, क्योंकि अगर वो पीक करेगा तो सर पे पट से दे दूंगा। फिर जब मैं क्लोज इन करता हूँ ग्रोजा रीलोड करने, तब तक एनब्रू भाई मार देते हैं उसे। तो गाइज अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो शारिक और एनब्रू और डुओ स्क्वाड वीडियोस लेके आए, तो फट फट मेरे को बता देना। हाँ सलाम, पीस पीस, बाय बाय, ब्र बाय।